नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? आज अपन लेके आए हैं डी ब्लॉक का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें अपन ने आज क्या पढ़ेंगे, अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे औक्षीकरण अवस्था, दूसरा पढ़ेंगे अपन संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुल यौगिक, तीसरा अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरक गुण, नंबर चार पढ़ेंगे अंतरा कोशी यौगिक। ये अपन आज के वीडियो में अपन ये पढ़ेंगे, चार टॉपिक पढ़ेंगे, औक्षीकरण अवस्था पढ़ेंगे, संकुल यौगिक पढ़ेंगे, उत्प्रेरकी गुण पढ़ेंगे और अंतराकोशी यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में अपने क्या पढ़ा, कल जो वीडियो पढ़ा था अपने फोर्थ वीडियो में, रंगीन प्रकृति पढ़ी, दूसरा टॉपिक पढ़ा था परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी या परमाणु आकार पढ़ा था, और तीसरा अपने पढ़ा था आयनन विभव, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं आईपी। ये तीन टॉपिक कल पढ़े थे। आज अपन सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं औक्षीकरण अवस्था। औक्षीकरण अवस्था में देखो बेटा, सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन औक्षीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यदि इसको ऑक्सीजन संख्या बोले तब ऑक्सीजन नंबर बोल देंगे, ON बोल सकते हैं। अब बात आती है पहला क्वेश्चन, देखो कई बार पूछा जाता है संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, संक्रमण तत्व अनेक, अनेक हम लोग बहुत ज्यादा, एक दो तीन चार पांच ऐसे अनेक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। दूसरा, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, परिवर्तन कभी दो दर्शाता है, कभी तीन, कभी चार, ऐसे अलग अलग दर्शाता है, तो परिवर्तन होगी। तीसरा, संक्रमण तत्व एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, इन सभी का कारण एक ही है, संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है या ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, या इसको बोल सकते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है या परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है या एक से अधिक ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है। तो ऑक्सीजन अवस्था की बात आ गई, भी संक्रमण तत्व होते हैं वो अनेक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं या एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, इसका कारण क्या है, कारण क्या है, N-1 डी कक्षक व NS कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर, मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, मतलब लगभग इन दोनों की N-1d कक्षक और NS कक्षक दोनों की ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं और बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन अवस्था अनेक होती है या परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं या एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इसका मेन कारण यही है, N-1d कक्षक और NS कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसका कारण आपके सामने हो गया कि संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं या परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं या एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, इसका कारण क्या है कि इनमें N-1d कक्षक और NS कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, ये आदान प्रदान करके एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। अगला टॉपिक चलते हैं अपन,
इसमें, इसी में चलते हैं अपन भाई। देखो संक्रमण तत्व एक से अधिक औक्षण से दर्शाते तो सबसे कम देखो निम्नतम पोक्षिकण अवस्था, निम्नतम औक्षण अवस्था की बात करें तो वो होगी एनएस कक्षक। एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या अपन ये कह सकते हैं क्या कि एनएस की जगह आ सकता है फोर एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब संक्रमण तत्व की कम से कम औक्षण अवस्था या निम्नतम औक्षीकरण अवस्था की बात करें तो वो होगी एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या एनएस की जगह अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ रहे हैं तो वहां आ जाएगा एनएस की जगह क्या आ जाएगा फोर एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार देखो अधिकतम औक्षीकरण संख्या, अधिकतम औक्षीकरण संख्या बराबर होगा एन एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एन माइनस वन डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी तत्व की निम्नतम औक्षण संख्या की बात करें तो एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या फोर एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अधिकतम औक्षीकरण संख्या की बात करें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम औक्षण अवस्था की बात करें तो एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सारे और एन माइनस वन डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित, शब्द याद रखना कौन सा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन दोनों का योग करते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके देता हूं, मैं करता हूं मैग्नीज और इसका आपको औक्षीकरण संख्या निकालना है तो आपको पहला पहला वीडियो पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या ध्यान देना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए तभी आपको औक्षीकरण अवस्था समझ में आएगी। देखो जैसे मैग्नीज का परमाणु क्रमांक था 25 और मैंने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया था आर्गन लिखा होगा, 3D लिखा होगा और 4S, तो 18 आर्गन का होता है, 18 और 2 20 और 20 और 5 25। अब आप बताओ कि यहां देखो एनएस का मतलब लास्ट वाला, तो ये तो अपना एनएस कक्षक हो गया। अब एनएस कक्षक की जगह या आप एनएस की जगह 4S कर सकते हो कि लास्ट वाला, और या कर सकते हो 4 में से एक कम कर दो 3D हो जाएगा, तो 4S में तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ निम्न औक्षण संख्या बताओ इसकी, निम्नतम औक्षीकरण संख्या कितनी हुई, 2 आएगा आंसर, कितना आएगा बेटा 2। कैसे पता चला 2 आएगा, क्योंकि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, निम्नतम औक्षीकरण संख्या होती है s कक्षक में, 4 जो लास्ट वाला कोष है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, लास्ट वाला कोष कौन सा है 4s, तो 4s में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। अब आता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी, अधिकतम औक्षीकरण संख्या, तो अधिकतम कितनी हो जाएगी बताओ, अधिकतम की बात करें तो इन दोनों का योग ns कक्षक में इलेक्ट्रॉन और n माइनस वन डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या, चलो ns में तो कितने हैं 2। अब इसमें देखो अयुग्मित देखने हैं ना कि इलेक्ट्रॉन देखने पूरे, अयुग्मित तो d में कितने कक्षक होते हैं आप सभी को पता होगा, d में कक्षक होते हैं 5, तो अपने पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 5, तो अयुग्मित 1 2 3 4 5, तो 5 अयुग्मित है तो टोटल कितने हो गए 7, तो इसकी अधिकतम औक्षीकरण संख्या होगी 7 होगी प्लस की। अच्छा एक और क्वेश्चन बन रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक औक्षीकरण अवस्था किसकी होती है, मैग्नीज की होती है, किसकी होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी, 3D श्रेणी बोल सकते हो आप इसको, उसमें अधिकतम औक्षीकरण संख्या कितनी होती है प्लस की 7, और निम्नतम कितनी हुई इसमें मैग्नीज की बताओ, निम्नतम हुई प्लस की 2 और अधिकतम कितनी हुई प्लस की 7। अब प्लस की 2 से प्लस की 7 के बीच की अवस्था सारी दर्शाएगा,
प्लस की दो भी, प्लस की तीन भी, प्लस की चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, मतलब प्लस की दो से लेकर के प्लस की सात की ऑप्शनों से दर्शाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बात दो दोबारा कि किसी भी तत्व की निम्नतम औक्षीकरण संख्या होगी, लास्ट वाला जो एनएस है, एनएस का अपन मान लो, या 4s, 4s में इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 4s में जितने इलेक्ट्रॉन है, एक है तो एक हो जाएगी, दो है तो दो हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी तत्व की अधिकतम औक्षीकरण संख्या पूछे, किसी भी तत्व की अधिकतम, तो ये होगा एनएस, एनएस का मतलब 4s, 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एन माइनस वन डी कक्षक मतलब 3d, 3d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन दोनों का यदि योग करेंगे तो अधिकतम औक्षीकरण अवस्था आ जाएगी। जैसे मैंने मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया, मैग्नीज यहाँ 25 है, इसमें आर्गन है 3d 5 है, 4s 2 है, तो अब देखो इसमें 5 है, 5 तो 1 2 3 4 5, तो 5 के 5 अयुग्मित हो गए, 4s में कितने हैं 2, तो 2 और 5 कितने हो गए 7, तो अधिकतम कितनी होगी 7, और कम से कम कितनी होगी। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना, मेन बात ये ध्यान रखना, साथ साथ में आप इसको नोट भी करते जाना है ना। अब मैं इस एग्जांपल को मिटा रहा हूँ, एक बार मैग्नीज की हो गई, इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैं दूसरा लिया क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आपको सभी को पता होगा, आर्गन होगा 3d 5 होगा और 4s 1, ठीक है। आर्गन हो गया, 3d 5 हो गया और 4s 1 हो गया। अब बताओ निम्नतम, बताओ मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था, बताओ मिनिमम या निम्नतम ऑक्सीजन संख्या बताए। निम्नतम ऑक्सीकरण नंबर की बात करें या ऑक्सीजन संख्या की बात करें, एक ही बात है। तो निम्नतम किसमें होगी, 4s में इलेक्ट्रॉन, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा, एक दिख रहा है। इसके बाद में अधिकतम ऑक्सीजन संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें बेटा, तो यहां देखो कितना है, ये 5 है, तो 5 के 5 अयुग्मित होंगे, तो अधिकतम कितनी होगी, एस में इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें 5, तो टोटल योग कितना होगा 6, तो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, प्लस की, इसकी प्लस की 1 अधिकतम पूछे तो प्लस की 6 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, जैसे मान लो आपको पूछ लिया एफ ही पूछ लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया आर्गन हो गया, इसके बाद में 3d हो गया और ये हो गया 4s, तो अपने पास इसके पास 26 है बेटे, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 26, तो आर्गन 18 हो गया, 18 और 2 20 और 6 26। अब बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना है, मेन क्या इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि डी में इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है अपने को, पहले 1 2 3 4 और 5 और 1 6, तो एन का मान अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और एस में कितने आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम पूछा आपको, मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या पूछे है तब तो इसकी होगी प्लस की 2, और मैक्सिमम यदि ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो इसकी आपकी हो जाएगी, जोड़ो 2 और 4 कितने हो गए 6, मतलब प्लस की 2 से लेकर के प्लस की 6 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोबारा, संक्रमण तत्व निम्नतम ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है, एनएस कक्षक मतलब 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, और अधिकतम ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मतलब 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और 3d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का योग करोगे। लेकिन याद रखना 3d में कौन सा होना चाहिए, अयुग्मित, युग्मित नहीं है, यहाँ युग्मित जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6, जबकि अयुग्मित कितने यहाँ 4, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि आपने 6 जोड़ दिया, 6 और 2 तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए मैं एक सारणी बनाता हूं, देखो इधर अपन लेते हैं परमाणु क्रमांक, अपने 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30,
अब इधर लेता हूं मैं परमाणु, तो परमाणु की बात करें तो स्केडियम आता है 21 पे, सभी को याद होगा, टाइटेनियम आता है 22 पे, वेनेडियम आता है 23 पे, क्रोमियम आता है 24 पे, मैग्नीज Mn ये आता है 25 पे, आयरन आता है 26 पे, कोबाल्ट आता है 27 पे, निकिल आता है 28 पे, कॉपर आता है 29 पे और जिंक आता है 30 पे। ठीक है, अब बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वीडियो पर देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां समझाते जा रहा हूं, उसके बाद में आप देखो यहां आएगा 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन, मतलब ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहां आएगा d कक्षक में 3d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और नीचे आ जाएगी अपनी ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीजन नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन संख्या हो गई। अब ये आपको देखो पड़ी हुई आपकी चीज दोबारा पकड़ता हूं, आराम से समझा दूंगा, ये वैसे आपको याद रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं सभी का साथ ही कर रहा हूं यहां सॉल्यूशन, और आप बना भी सकते हो। देखो पहले ये चीज कर लो कि परमाणु स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28 और कॉपर का 29 और जिंक का 30। अब आपके इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास में दो ही अपवाद आए थे, आपको पता होगा क्रोमियम में 4s1 था और कॉपर में 4s1 था। ठीक है, इसके बाद में इनमें 2 था, यहां भी 4s2 था, 4s2 इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेना। इसमें 3d1 था, तो 3d1 में देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, एक 3d1 में एक आएगा, d1 से लेकर d5 तक हो जाएंगे, तो इसमें अयुग्मित एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित दो, d2 आता है दो जाएंगे, इसमें तीन हो जाएंगे, इसमें चार जाएंगे, इसमें पांच, ठीक है पांच तक हो गया। अब इसमें d6 होगा, जब d6 होगा तो बेटा आप खुद बताओ कि अयुग्मित कितने होंगे, 1 2 3 4 5 छह हो गया, तो अयुग्मित कितने हुए, 4। ठीक है, फिर यदि 7 हो गया तो अयुग्मित कितने हुए, 3। इसमें d8 होता तो कितने हो गए अयुग्मित, 2। इसमें d10 होता है, इसमें 0 आता है, और इसका भी 3d10 होता है, इसका 0 आता है। ये एक अपवाद है, इसमें कॉपर +1 भी दर्शाता और +2 भी दर्शाता, वो बाद बताएंगे। ऐसे समझ में आ गया, मतलब ये अपन ने ये दोनों लाइनें लिखी ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखी है, किससे लिखी है। अब 4s में तो आपको पता है कि दो ही जगह, एक तो क्रोमियम में और एक कॉपर में, अपवाद पढ़ाया था ना, सूत्र पढ़ाया था, उसमें 4s1 था या 4s2 था, और बाकी इसमें 2 2 2 2 2 2 2 2 हो गया। अब 3d में कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो d1 में एक रहेगा, 3d2 में भी दो रहेगा, 3d3 में भी तीन रहेगा, 3d4 में भी चार रहेगा, 3d5 में 5 रहेगा। अब 3d6 आ गया तो यहाँ 4 हो जाएंगे, 3d7 आ जाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, 3d8 आ जाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, और 3d10 में 0 और 3d10 में 0। अब आपको मैं पहले बता दूं मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था इसकी, चलो मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था कितनी है इसकी, ऊपर देखो मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था इसके ऊपर डिपेंड करती है, और मैक्सिमम इन दोनों के योग के बराबर। कम से कम ऑक्सीजन अवस्था किस पर डिपेंड करती है, 4s में, और अधिकतम दोनों का योग 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और 3d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन दोनों का योग करती है ना, तो मिनिमम कितनी हुई, प्लस की 2, सही है, और मैक्सिमम कितनी होगी, प्लस की 3। लेकिन आपको पता है ये कम हिस्सा ही है, तो ये एक ही मात्र प्लस की 3 दर्शाता है, स्थायी ऑक्सीजन अवस्था, इसका कारण बताऊंगा स्थायी क्यों होती है। देखो इसकी बताओ मिनिमम कितनी हुई, प्लस की 2,
और मैक्सिमम होगी प्लस की 4, तो प्लस की 3 भी दर्शाएगा ये, प्लस की 4 भी दर्शाएगा। इसी प्रकार बताओ इसकी मिनिमम बताओ, प्लस की 2, मैक्सिमम कितनी हुई दोनों का योग करो 5 होगी, तो प्लस की 3 के बाद, प्लस की 2 के बाद प्लस 3 भी दर्शाएगा, प्लस 4 भी दर्शाएगा, प्लस की 5 भी दर्शाएगा। इसमें D3 D5 आता आपको पता हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखना। तो इसमें देखो इसमें कितनी हो गई, प्लस की 1 दर्शाएगा या प्लस की 2 भी, अधिकतम बताओ 6 हो गई ना, तो प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3, प्लस की 4, प्लस की 5 और प्लस की 6, ठीक है। इसमें देखो मैग्नीज में प्लस की 2 दर्शाएगा, प्लस की 3 भी दर्शाएगा, प्लस की 4 भी दर्शाएगा, प्लस की 5, प्लस की 6, अधिकतम प्लस की 7। इसी प्रकार इसकी देखो मिनिमम कितने, प्लस की 2, फिर प्लस की 3, प्लस की 4, मैक्सिमम कितने दर्शाएगा, प्लस की 5 के बाद प्लस की 6। इसमें बताओ मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, तो 2, 3, 4 और 5। इसमें बताओ मिनिमम कितनी, प्लस की 2, मैक्सिमम कितनी 4, तो प्लस की 3 भी दर्शाएगा, प्लस की 4। ये एक अपवाद में आता है, कौन सा, कॉपर। कॉपर अपवाद में इसलिए आता है कि यहां प्लस की 1 दर्शाएगा और ये प्लस की 2 भी दर्शाता है। इसके बाद में जिंक ओनली 4 प्लस की 2 दर्शाता है। ये अपनी सारणी हो गई और इस सारणी में दोनों चीजें इसी ऊपर डिपेंड करती है, और ये दोनों चीजें डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होगा तो 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे, डी में देख करके। अच्छा, इस सारणी में देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीज है। फर्दम इंपोर्टेंट, इसको बोलते हैं फर्दम संक्रमण श्रेणी, फर्दम संक्रमण श्रेणी का की औक्षिकन अवस्था है ना, क्या औक्षिकन संख्या, ये पढ़ रहे अपन। तो अपन चीज पढ़ रहे हैं वो फर्दम संक्रमण श्रेणी अर्थात 3D में पढ़ रहे हैं। तो 3D में अधिकतम औक्षिकन संख्या किसकी होगी, 3D में अधिकतम औक्षिकन अवस्था होगी मैग्नीज की, प्लस की 7। अब दूसरा आता है कि प्लस की 1 कौन कौन दर्शाते हैं, एक तो दर्शाता है क्रोमियम और एक दर्शाता है प्लस की 1 कॉपर। प्लस की 1 कौन दर्शा रहा है, क्रोमियम और कॉपर। अब ये ऐसा ही होती है, आपको पता है क्यों होती है, कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ये 3D जीरो हो जाता है, तो स्थाई है, तो अधि ये दर्शाता है। अब एकमात्र ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है जो अकेली उसके बाद में चेंज नहीं होता, वो आपके स्केडियम, स्केडियम दर्शाता है प्यारे बच्चों एकमात्र प्लस की 3, और जिंक ओनली 4 दर्शाता है प्लस की 2। ये दो ऐसे तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन कौन, स्केडियम प्लस की 3 दर्शाता है और जिंक प्लस की 2 दर्शाता है। ये ऐसे आ गया कि आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन से तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, वो है स्केडियम और जिंक। स्केडियम प्लस की 3 दर्शाएगा और जिंक प्लस की 2 दर्शाएगा, इनके भी मैं कारण बता दूंगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, आता है कि अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था किस तत्व की होती है इनमें, तो मैग्नीज की अधिकतम होती है प्लस की 7। इसके बाद में बीच में देखो प्रारंभ में ऑक्सीजन अवस्था कम थी, लास्ट में कम है, बीच वाले तत्वों में ऑक्सीजन अवस्था देखो ज्यादा है, बीच वाले तत्वों में ऑक्सीजन अवस्था क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने का कारण क्या है, ज्यादा होने का कारण ये है बेटा, देखो इस प्रकार से क्यों है ज्यादा, क्योंकि आप खुद देखो कि बीच वाले तत्वों में देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, 5, 5, 4, 3, 3, तो बीच वाले तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक होने के कारण मध्यम तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था अधिक पाई जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, 3D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, तो मध्यम तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था अधिक होती है। अब इसके अलावा कुछ विशेष पॉइंट मैं आपके सामने ऑक्सीजन अवस्था के लेके आ रहा हूं, ये आपके ऑक्सीजन अवस्था थे। अब ये तो देखो सारणी रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, आपको मैंने बता भी दिया था मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था और मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। अब अगला आता है अपना इसके मेन प्रथम संक्रमण श्रेणी में, तो देखो स्केडियम
केवल प्लस की तीन ऑप्शन दर्शाता है एकमात्र। इसका कारण क्या है, 3D में जीरो हो जाएगा इस टाइम पर, और 3D में जीरो हो जाएगा तो ये क्या होता है, स्थाई विन्यास होता है। स्थाई विन्यास, इस स्थाई विन्यास के कारण ये क्या होगा, प्लस की तीन दर्शाता है। जिंक भी प्लस की दो ही दर्शाता है, वो क्यों दर्शाता है, 3D कितना हो जाएगा 10, ये भी स्थाई विन्यास है। अब आपके दिमाग मारा सर स्थाई विन्यास क्या क्या है, तो बेटा स्थाई विन्यास क्या होता है, स्थाई विन्यास ये होता है बेटा कि जिसमें 3D में यदि 0 हो, 3D में 5 हो और 3D 10 हो। सबसे अधिक स्थाई तो होता है पूर्ण पूरित, पूरे भर दिए, डी में कितने भरते हैं 10, तो पूरा भर गया, तो 10 भर दिया तो पूर्ण पूरित हो गया, 5 भरे तो आधा हो गया तो अर्ध पूरित, और उससे कम स्थाई होता है रिक्त। इसके अलावा अन्य विन्यास होता है, अब ये पूरा खाली है तब स्थाई है, ये 5 भर गया अर्ध पूरित तब स्थाई है, और इसमें 10 भर गए तब स्थाई है। अब आधा स्टेडियम प्लस 3 हो गई, जिंक में प्लस की 2 हो गई, ठीक है, ये वाली बात कोई दिक्कत आई, अच्छा तो ये समझ में आ गया, स्टेडियम प्लस की 3 और जिंक प्लस की 2 क्यों दर्शाता है, इसमें 3D 0 विन्यास के कारण और इसमें 3D 10 विन्यास के कारण। अच्छा, फर्तम संक्रमण श्रेणी में, फर्तम संक्रमण श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था, अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था बताओ, ऑक्सीजन नंबर बताओ कितनी होती है, मैग्नीज की प्लस की 7 होती है। कई बार ये भी पूछते हैं कि प्लस की 7 किस तत्व की होती है, वो होती है मैग्नीज की। फर्तम संक्रमण श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था होती है मैग्नीज की होती है, और वो कितनी होती है, प्लस की 7 होती है, याद रखना, होती किसकी है, मैग्नीज की, और अधिकतम कितनी होती है, प्लस की 7 होती है, किसमें, फर्तम संक्रमण श्रेणी अर्थात 3D श्रेणी में। अच्छा, अब बात आती है आवर सारणी में, और पूछ लो, पहले भी पढ़ाया था आवर सारणी पढ़ाया था, आवर सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीजन संख्या, उसमें बताया था मैंने ओस्मियम, और बेटा ओस्मियम की प्लस की 8 होती है। आवर सारणी की बात करें तब तो सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था होती है, या ऑक्सीजन संख्या होती है ओस्मियम की, ओएस की, कितनी होती है, प्लस की 8। और यदि अपन बात करें प्रथम संक्रमण श्रेणी की, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक होती है मैग्नीज की, और प्लस की 7 होती है। अच्छा, एक और आपने नाम सुना होगा असंक्रमण तत्व, असंक्रमण तत्व, असंक्रमण तत्व कौन कौन से आपको पता है, जिंक है, कैडमियम है, मर्करी है, और कोपनीशियम, इन सभी की प्लस की 2 ऑक्सीजन अवस्था होती है, इनकी कितनी होती है, प्लस की 2। असंक्रमण तत्व की ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 2 होती है, असंक्रमण तत्व की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, प्लस की 2 होती है। असंक्रमण तत्व में जिंक आता है, कैडमियम आता है, मर्करी आता है, कोपनीशियम, इसकी प्लस की 2 ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। अच्छा, एक बात और, अपने जो भी यौगिक बनते हैं संक्रमण तत्व क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आयनिक प्रकृति के और एक सैसजिक। सुनो, यदि निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या में है, निम्नतम ऑक्सीजन के जानते हो प्लस की 1 प्लस की 2, तो उनके यौगिक होंगे आयनिक प्रकृति के, आयनिक प्रकृति या आयनिक गुण वाले होंगे, सही है, जब निम्नतम ऑक्सीजन। और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में हो, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जानते हो 5 प्लस की 6 प्लस की 7, तब वो कौन से होंगे, सहसंयोजी प्रकृति के होंगे, कौन सी प्रकृति के होंगे, सहसंयोजी प्रकृति के, या सहसंयोजी गुण वाले होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, कि जिनका ऑक्सीजन अवस्था कम होगी प्लस की 1 प्लस की 2, ठीक है, वो कौन से होंगे, आयनिक प्रकृति की, प्लस की 5 प्लस की 6 प्लस की 7 वाले होंगे सहसंयोजी। अब आपके दिमाग में आ रहा सर प्लस की 1 प्लस की 2 वाले होंगे, प्लस की 5 वाले होंगे, प्लस की 6 वाले होंगे, प्लस की 7, ये बेचारे प्लस की 3 वाले प्लस की 4 वाले कहां गए, तो बेटा प्लस की 3 वाले 4 वाले दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, आयनिक गुण भी रख सकते हैं और सहसंयोजी गुण भी रख सकते हैं। कौन कौन से गुण, आयनिक गुण भी रख सकते हैं और सहसंयोजी गुण भी रख सकते हैं, कौन कौन से, दोनों, प्लस की 3 वाले प्लस की 4 वाले। अच्छा, एक और अब बताओ, इसमें देखो जैसे MnO प्लस की 2 होगी, इसमें ऑक्सीजन होता है, FeO
तो ये कौन सी प्रकृति के आयनिक है? और MnO4 माइनस Mn2O7 ये माइनस ये सॉरी ये तो इनमें प्लस की 5 या प्लस सॉरी इनमें प्लस की 7 है दोनों में, तो ये कौन सी प्रकृति के हो गए सहसूचक और ये कौन सी प्रकृति के हो गए आयनिक प्रकृति के हो गए। तो निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था में आयनिक प्रकृति के होते हैं, अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था में कौन सी प्रकृति के होते हैं सहसूचक प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा निम्नतम ऑक्सीजन संख्या में होगा, निम्नतम ऑक्सीजन संख्या में होगा तो यह होगा क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति के कौन से होंगे निम्नतम ऑक्सीजन संख्या, जानते हो कि प्लस की 1 प्लस की 2 ये होगी क्षारीय प्रकृति है ना। क्षारीय प्रकृति प्लस की 1 प्लस की 2 वाले क्या होते हैं आयनिक प्रकृति के होते हैं। एक होते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी जानते हो, उभयधर्मी उसे कहते हैं जो प्लस की दर सॉरी अम्लीय बाती भी कार्य कर सकता है और क्षारीय की, तो उसमें आता है प्लस के 3 और प्लस के 4 वाले आते हैं उभयधर्मी प्रकृति के, मध्यम ऑक्सीजन अवस्था कह सकते हैं इसको, मध्यम ऑक्सीजन अवस्था। मतलब मध्यम ऑक्सीजन अवस्था में ये कौन सी प्रकृति के होते हैं उभयधर्मी प्रकृति के, उभयधर्मी प्रकृति के पाए जाते हैं। और ये वाली बात होगी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या, बात करें अधिकतम, तो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या में प्लस की 5 प्लस की 6 प्लस की 7 तब ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। तो कुल मिलाकर के बात करें अम्लीय क्षारीय और उदासीन की बात करें, उभयधर्मी को मतलब उदासीन भी कह सकते हैं अपन। अब बताओ निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था होगी प्लस की 1 प्लस की 2 में होंगे तो कौन सी प्रकृति के होंगे क्षारीय, प्लस की 3 और प्लस की 4 प्रकृति होगी तो कौन से होंगे उभयधर्मी, और प्लस की 5 में और प्लस की 6 प्लस की 7 में होंगे तो कौन सी प्रकृति के होंगे अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ऑक्सीजन अवस्था का वाला पॉइंट हो गया। दोबारा एक बार रिपीट कर लो, स्केडियम और जिंक एकमात्र दो ऐसे तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये स्केडियम प्लस की 3 ही दर्शाता है वो 3D स्थायी विन्यास के कारण है, और जिंक प्लस की 2 ही दर्शाता है वो 3D10 स्थायी विन्यास के कारण है। फर्तम संक्रमण श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था होती है मैग्नीज की Mn की होती है प्लस की 7 होती है, और आवर सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था होती है ओस्मियम की प्लस की 8 होती है। असंक्रमण तत्व जानते हो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, कोपरनीशियम है, इनकी ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 2 होती है। इसके बाद में निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था, निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 1 प्लस की 2 में होंगे आयनिक प्रकृति के, प्लस की 5 प्लस की 6 प्लस की 7 वाले में होंगे सहसूचक प्रकृति के, इनके एग्जांपल है यहाँ प्लस की 2 में, यहाँ प्लस की 2 में, यहाँ प्लस की 7 में, यहाँ प्लस की 7 में है। तो ये हो गया आपके कौन से ऊपर वाले होंगे आयनिक प्रकृति के, नीचे वाले होंगे सहसूचक प्रकृति के। निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 1 प्लस की 2 में कौन सी प्रकृति के होते हैं क्षारीय, मध्यम ऑक्सीजन अवस्था में ये होते हैं उभयधर्मी उदासीन होते हैं, और अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 5 प्लस की 6 प्लस की 7 में कौन सी प्रकृति के होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ये आपका ऑक्सीजन अवस्था वाला टॉपिक था।